Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. फिल्म टोटल धमाल के ट्रेलर को भोजपुरी स्पूफ आने के बाद फिल्म इसे कई क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया, जिनमें पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा भी शामिल है। कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ और रवि किशन ने फिल्म टोटल धमाल के ट्रेलर को क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए जाने की सराहना भी की है। फिल्म टोटल धमाल के निर्माताओं ने फिल्म के ट्रेलर को 4 भाषाओं में रिलीज़ किया, पंजाबी, गुजराती, मराठी और भोजपुरी में जारी किया था। इन्हें जाने माने निर्माताओं और कलाकारों द्वारा डब किया गया है और हर क्षेत्र की एक बड़ी हस्ती ने इसे लॉन्च किया गया है। पंजाबी वर्जन को कपिल और दिलजीत ने तो भोजपुरी को रवि किशन ने, मराठी को रितेश देशमुख ने और गुजराती को दिलीप जोशी ने लॉन्च किया। कपिल ने ट्विटर पर कहा कि अजय देवगन, क्या आपने टोटल धमाल ट्रेलर का पंजाबी वर्जन देखा है? ये बहुत मज़ेदार है। दिलजीत ने भी कहा कि ट्रेलर अच्छा बना है और रवि किशन ने ट्विटर पर कहा कि भोजपुरी पावर फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाएगा। फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शिखा कपूर ने कहा कि चूंकि हम हिंदी भाषा क्षेत्र के बाहर के दर्शकों से जुड़ना चाहते हैं, हमने मज़ेदार अंदाज में ट्रेलर तैयार किया है। वहीं धमाल फ्रेंचाइजी की पहली 2 फिल्मों का हिस्सा रहे एक्टर आशीष चौधरी का कहना है कि टोटल धमाल का हिस्सा ना होने को वो पचा नहीं पा रहे हैं। आशीष ने बुधवार को ट्विटर पर कहा कि वह फिल्म की कास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसे पचा पाना मुश्किल है कि टोटल धमाल का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन यह एक परिवार है। उन्होंने फिल्म की 4th सीरीज़ का हिस्सा होने की इच्छा भी जताई है। आशीष चौधरी ने कहा कि वे प्रार्थना करेंगे कि टोटल धमाल सभी रिकॉर्ड तोड़े ताकि हम 4th सीरीज़ में साथ हो सकें। संजय दत्त सर को भी हमेशा याद करता हूँ। धमाल फ्रेंचाइजी की 3rd फिल्म टोटल धमाल में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, नैने, अनिल कपूर, बोमन ईरानी, रितेश देशमुख और अरशद वारसी जैसे सितारे आप सभी को नज़र आने वाले हैं। ये फिल्म 22 फरवरी को रिलीज़ होगी और आपको इस फिल्म का कितना इंतज़ार है और आपको ये नए नए ट्रेलर अलग अलग भाषाओं में कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।